हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज करंट की इस विशेष श्रृंखला में मान लेके आए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो जुड़े रहिए भैया। इस वीडियो का आनंद उठाते रहिए, कमेंट के जरिए अपनी राय भेजते रहिए, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। डेली 9 बजे लाइव क्लास में हम मिलते हैं विशेष प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टेट, सुपर टेट, पेट सभी एग्जामों के लिए भैया रामबाण होती है, वो टॉनिक की तरह होते हैं 15 क्वेश्चन। तो सभी बच्चे जरूर से जरूर डेली 9 बजे लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चलते हैं प्रश्नों की करंट की श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है बच्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है और हेडिंग बहुत बेहतरीन बन के आई है बच्चा, इसको देखना। हेडिंग क्या बन के आई है, इसमें लिखा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल? 7 साल। आप चौंक गए होंगे कि सर हम लोग तो पढ़ते हैं 5 साल, तो कितने साल यहाँ होने जा रहा है बच्चा? तो यहाँ पर होने जा रहा है 7 साल। कितना होने जा रहा है? 7 साल। ये कहाँ की घटना है, इस बात को भी समझो। ये घटना है कजाकिस्तान। कहाँ की है? कजाकिस्तान। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, भारत में अभी भी कितना है? 5 साल। जब भारत कहेगा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। अभी आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7 साल। वो कहां पर होगा? कजाकिस्तान। कहां पर होगा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में राष्ट्रपति का कार्यकाल अब कितना होगा? 7 साल। ये प्रस्ताव भी पास किया गया है, ये प्रस्ताव, ये बिल संसद के द्वारा क्या किया गया है बच्चा? पास कर दिया गया है। और एक बात और रखी गई यहां से, ये क्वेश्चन पेपर में 100% मिलेगा। एक बात और कही गई है कि कजाकिस्तान में कहा गया, कजाकिस्तान में एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा, मतलब दोबारा नहीं बन सकता। जैसे आपका अनुच्छेद क्या है? 57। भारत में अनुच्छेद 57 ये कहता है बच्चा, कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कहां? भारत में। लेकिन कजाकिस्तान में अब कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा? एक बार बनेगा। दूसरा प्रस्ताव क्या है? कार्यकाल 5 साल से कितना हो गया? 7 साल। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया इन लोगों ने, और ये प्रस्ताव क्या है बच्चा, इस बात को भी समझने का प्रयास करो। ये प्रस्ताव इन्होंने पास किया है कि इनकी राजधानी नूर सुल्तान थी। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी राजधानी क्या रखी थी? नूर सुल्तान रखी थी, और इन्होंने अपनी राजधानी को पुनः फिर से बदल दिया और क्या रख दिया है? अस्थाना। क्या रखा है? अस्थाना। तो बोला जाएगा अस्थाना इनकी पहले राजधानी हुआ करती थी, लेकिन इनके पता नहीं कौन सा भैया सवार रहे, तो इन्होंने नूर सुल्तान कर दिया था। इसे फिर से हटाया गया और पुनः राजधानी फिर बना दी गई। क्या? अस्थाना। क्या बना दी गई? अस्थाना। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। पहला क्या होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया? 7 साल। 5 से बढ़ा के कितना किया गया? 7 साल। कहां की बात कर रहा हूं? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान ने पुनः से अपनी राजधानी फिर क्या रख ली है भैया? अस्थाना कर दी है। तो कजाकिस्तान क्या फिर से राजधानी क्या हो गई? अस्थाना हो गई है। और बात करें कार्यकाल कितना होगा? 7 साल होगा, और राष्ट्रपति का चुनाव एक व्यक्ति अब एक ही बार बन सकता है, ये बात कही गई। कजाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है स्थलबद्ध। क्या होता है? स्थलबद्ध, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, वह देश लैंडलॉक कंट्री कहलाता है। जैसे भारत के ऊपर देखोगे नेपाल कैसा देश है, भूटान कैसा है, लैंडलॉक कंट्री है बच्चा, स्थलबद्ध देश है। उसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान है। समझ में आया? तो यहां राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो गया? 5 साल से बढ़ा के 7 साल हो गया, और एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका की तरह, अमेरिका में 2 बार होता है ना। अब बात किया जाए तीसरी बात क्या, इनकी राजधानी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, अस्थाना। पहले भी क्या थी? अस्थाना, लेकिन बीच में क्या हो गई थी? नूर सुल्तान हो गई थी, इसको हटा दिया गया और फिर से क्या बना दी गई? अस्थाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चा। भैया ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए भैया, एग्जाम में मिलेगा। अगला प्रश्न जो है बच्चा, और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, कहा जाएगा कि भैया कौन द्रौपदी मुर्मू जी भारत की क्या है? राष्ट्रपति हैं, और कौन से नंबर के हैं भैया? कमेंट करके बता देना भैया कौन से नंबर के हैं। 15वीं राष्ट्रपति हैं, और सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। कहा जाता है द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा में हुआ। कहां हुआ? उड़ीसा। आदिवासी समाज से आती है, और इन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है बच्चा, बहुत संघर्ष किया, तब जाके आज क्या बनी है? राष्ट्रपति। मुर्मू जी के बारे में बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू कहां की यात्रा पर गई है? ब्रिटेन
दौरे के लिए। अब कहो कि ब्रिटेन में क्या हुआ सर जी, तो ब्रिटेन में हुई कुछ नहीं रहा, रानी एलिजाबेथ चल बसी रही। आपको याद होगा रानी एलिजाबेथ का पैक करके भैया का किन जात रहा, 10 दिन से घुमावा जात रहा। रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी ना, तो उन्हीं के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन गई है, द्रौपदी मुर्मू जी। ये 3 दिवसीय यात्रा है, कितने दिन के लिए गई है, 3 दिन के लिए गई है। बाकी बात किया जाए, इन्होंने एलिजाबेथ के बारे में जानकारी हमने लिख दी, 15 प्रधानमंत्रियों का इन्होंने कार्यकाल देखा है, और भारत के भारत दौरा इनका कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ है, और इनकी मृत्यु कहां हुई है, स्कॉटलैंड में हुई है। स्कॉटलैंड में होने के कारण इसे क्या कहा गया, ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहा गया। पूछा जाएगा ऑपरेशन यूनिकॉर्न में कौन भाग लेने भारत की ओर से गया, तो कौन गई है भैया, द्रौपदी मुर्मू जी गई है। तो ये महारानी एलिजाबेथ के बारे में पूरी डिटेल में हमने जानकारी दे दी है, और ये वीडियो हमने पहले भी पढ़ा दिया था, तो जो बच्चे अभी नए हैं तो इसको पूरी पीडीएफ पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और जो वीडियो देख लेंगे एक बार, ये वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, ठीक है ना, एलिजाबेथ वाला, एलिजाबेथ की मृत्यु वाला, वही देख लेंगे, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, और छपने वाला क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया है, निश्चय, क्या नाम है, निश्चय मित्र, क्या नाम है, छह का मतलब होता है भैया क्या, टीवी से जुड़ा हुआ, छह का मतलब क्या होता है, टीवी से जुड़ा, निश्चय। अब बात कर रहा है निश्चय मित्र अभियान शुरू किया गया, निश्चय मित्र अभियान शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत किसने की, केंद्र सरकार ने की। निश्चय अभियान की शुरुआत किसने की, केंद्र सरकार, और इसमें क्या रखा गया है, 2025 बच्चा, 2025 से क्या किया जाएगा, 2025 तक टीवी को भारत से पूरी तरह से क्या करना है, समाप्त करना है। तो टीवी को भारत से पूरी तरह से समाप्त कब करना है, 2025, इसके लिए कौन सा अभियान केंद्र सरकार ने चलाया है, निश्चय मित्र योजना, क्या भैया, निश्चय मित्र अभियान है। और इस अभियान में क्या होगा, जो व्यक्ति, अब इसमें क्या है, टीवी के मरीजों को गोद लेना है, इसमें क्या होगा, इस अभियान के द्वारा टीवी के मरीजों को गोद लेना, जो व्यक्ति गोद लेगा या जो व्यक्ति या जो संस्था गोद लेगी उसी को कहा जाएगा निश्चय मित्र, क्या कहा जाएगा, निश्चय मित्र। निश्चय मित्र क्यों चलाई गई, टीबी रोग होता है बच्चा, टीबी के जो रोगी है उनको गोद लेंगे, ठीक है ना, गोद लेंगे भैया, उन्हीं को कहा जाएगा निश्चय मित्र। तो टीबी को कब समाप्त करना है, 2025 तक समाप्त करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, समय न बर्बाद करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, चौथा प्रश्न देखना है, विश्व बांस दिवस मनाया गया। अब कहोगे कि सर बांस दिवस इंपॉर्टेंट है, दिवस तो इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन बांस के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट। अब समझना, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया बच्चा, तो नोट कर लेना 18 सितंबर को मनाया गया। अब सुनना, बांस के बारे में बात किया जाए तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बांस क्या है, घास है। अब हमारा मुहम्मदता को, बांस एक क्या है, घास है, नोट कर लो, बांस एक क्या है, घास है, जैसे दूब होती है, हाँ आप लोगों ने देखा होगा बाग बाग में खेतों तो में घास होती है, उसी तरह से बांस भी एक क्या है, घास है। कौन सी बांस की बात कर रहा हूं, वही बांस कोठी जो गांव में होती, जो बांस होते हैं बच्चा, बंबू जिसे बोलते हैं, तो वही बंबू या क्या है, बंबू एक क्या है, घास का प्रकार है। सोचो इतनी बड़ी घास होती है, हाँ होती है भैया, बांस एक क्या है, घास है। दूसरा बात किया जाए, बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, भारत का स्थान कौन सा भैया बांस उत्पादन में, तो दूसरा स्थान है भारत का, पहला स्थान किसका है, चीन का, किसका है, चीन। तो बांस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, चीन में होते हैं, और दूसरा स्थान किसका है, भारत में। बांस एक क्या है, घास है, पर्यावरण का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है बांस क्या है, तो भैया घास है, पेड़ पौधा नहीं, क्या है, घास है। भारत का स्थान कौन सा उत्पादन में, दूसरा। दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन है भैया, बांस है। अब सोचो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन सी है, यही बांस है। और बांस दिवस की शुरुआत कब से हुई, 2006 से हुई, बांस दिवस की शुरुआत कब से हुई, 2006 से। कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने कराने का प्रयास किया। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चा, तो अगला प्रश्न आपने आपको देखना है, अगले प्रश्न की जब चर्चा करेंगे तो आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये एग्जाम के लिए। और प्रश्न ये कह रहा है, चीनू उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, भैया स्टार बना के लिख लेना, एक तो महिला है दूसरा पायलट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने कहा जीवन में कहीं पर महिला शब्द मिल जाए तो समझ लो तुम्हारे पेपर एक खातिर बनी है। चीनू उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है, को बना है भैया, दो महिलाएं हैं जिनका नाम है पारुल भरद्वाज, लिख लो भैया, एकदम ही संजीवनी बूटी है, पारुल भरद्वाज है, और दूसरी स्वाति राठौर है। कौन है, स्वाति राठौर। कौन है, पारुल भरद्वाज है और स्वाति राठौर है, ये एयरफोर्स की है। और इन्होंने क्या उड़ाया है बच्चा,
अच्छा इन्होंने क्या उड़ाया, चीनूक जहाज। चीनूक जहाज उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट कौन बनी है, पारुल भरद्वाज और स्वाति राठौर बनी है। ये वायुसेना की दोनों भैया जवान है। बात किया जाए चीनूक को भारत में कब शामिल किया गया, 2019 और 20 में शामिल किया। चीनूक क्या बच्चा, चीनूक के जहाज है, कहां का है, अमेरिका। चीनूक कहां से लाया गया था तो लिख लेना भैया, अमेरिका से लाया गया। और ये चीनूक कोई और थोड़ी है बच्चा, चीनूक कोई और थोड़ी है, जैसे आपको पता होगा ये अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है बच्चा, आपको याद होना चाहिए, अमेरिका में यहां पर पाई जाती है पेरिज घास। क्या पाई जाती है, पेरिज घास। घास ऐसे खड़ी खड़ी होती है, पेरिज घास पाई जाती है। क्या होता है, पेरिज घास अमेरिका में बड़ी ठंड होती है, जब बर्फ गिरती है तो घास पूरी लेट जाती है। क्या होता है, लेट जाती है। और इधर पाई जाती है क्या, रॉकी पर्वत। क्या पाया जाता है, रॉकी। और इसी रॉकी पर्वत से ठंडी ठंडी, क्या भैया ठंडी ठंडी नहीं, गरम गरम हवा आती है। और उस गरम गरम हवा का नाम क्या है, चीनूक। और चीनूक हवा जब गरम गरम पेरिज घास में आती है तो घास में जो बर्फ जमी होती है उसको क्या करती है, पिघलाने का कार्य करती है, बहुत तेज चलती है। चीनूक को ही कहा जाता है हिमभच्छी। क्या कहते हैं, हिमभच्छी। बर्फ को खाने वाली हवा ही क्या है, चीनूक है। तो चीनूक कहां चलती है, अमेरिका में। किस मैदान में चलती, पेरिज घास के मैदान में चलती है। कहां से चलती है, रॉकी पर्वत। और उसी के नाम पर एक जहाज का नाम रखा गया, क्या, चीनूक। भारत में कब आया, 1920 में भारत में शामिल किया गया। और उसी चीनूक जहाज को कौन उड़ाएगी बच्चा, पारुल भरद्वाज है और स्वाति राठौर है। तो ये करंट के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप जुड़े थे। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप बीरू सर जीएस क्लासेस टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, और इसके बाद वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।